हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं दिखा रही हूँ अपना अमेजोन का सामान। वैसे तो आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या सामान मंगवाया है अमेजोन से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने सामान जो मंगवाया है वो किस तरीके का है और मैंने उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपना, ये जो मैंने मंगवाया है, ये मैंने मंगवाया है एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है ये, और मैंने इसमें सारी ज्वेलरी अपनी लगा करके रखा है पूरा इसको। ये सारा मैंने इसमें ज्वेलरी अपनी लगा दी है। ये देखिए, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और इसका ना मटेरियल भी, ये जो है ना, ये फैब्रिक जैसा है और ये भी अच्छा है, सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि फटने वाला है, मतलब बहुत ही अच्छा है इसका ये वाला। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए अच्छा है इसका, लुक वाइज भी अच्छा है ये। और इसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी मेरी आ गई है। इसमें देखिए पूरे काफ़ी पॉकेट हैं इसमें, काफ़ी सारी, ये मतलब 8 लाइनें दी हुई हैं इसमें और हर लाइन में 4 पॉकेट दी हुई हैं, यानी कि 32 पॉकेट्स हैं इसके अंदर पूरी। ये 32 पॉकेट्स हैं इसमें और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसमें ना सामान भी ना काफ़ी सारा आ गया है मेरा, और काफ़ी ईजी भी हो गया है इसमें, मतलब यूज़ करने में मुझे काफ़ी ईजी हो गया है इसको। और इसको ना कपड़ों के साथ ही हम हैंग कर सकते हैं, बोल दिया हुआ है हैंगर लगाने के लिए। और इसको ना ये इस तरीके से लगा दिया मैंने, उसमें ना ज्वेलरी काफ़ी सारी आ गई है। देखिए कितने सारे इयर रिंग्स और रिंग्स, और इसमें ना मैंने ब्रेसलेट और ये बैंगल्स भी लगा दिए हैं दो। इसमें ये बैंगल्स भी इसमें पूरे आ गए हैं इसमें। और ये ना थोड़ा सा, बस ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़े हैं, क्योंकि मेरे इयर रिंग्स ना बहुत बड़े हैं ये वाले, तो ये इसमें थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं ये वाले इयर रिंग्स, अदरवाइज सब इयर रिंग्स मेरे बिल्कुल इसमें सही से आ गए हैं इसमें। और इसकी बैक साइड में भी ना ऐसे दिया हुआ है इसमें, इसकी बैक साइड में भी ये सब, इसमें ना वेलक्रो टेप लगाया हुआ है। देखिए इसमें ना ये सब वेलक्रो टेप लगाई हुई है इसमें हैंग करने के लिए ये वाला। तो इसमें ऐसे खोल करके, इसमें दिखाती हूँ मैं एक लगा करके, ऐसे इसमें लगाया इस तरीके से और इसको ऐसे वेलक्रो टेप को बंद कर दिया। तो ये जो है इसमें भी काफ़ी सारी मेरी ज्वेलरी आ गई है इसमें। और इसमें ना मुझे काफ़ी इजी भी लग रहा है कि काफ़ी इजी हो गया इसमें। और ये भी मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। और ये मुझे, मैंने अभी तक इसको वैसे पहना नहीं है, कभी पहनूंगी इसको किसी ड्रेस पर। तो ये मैंने लिया था अंडमान निकोबार से लिया था ये मैंने, ये है उसका जो सीप निकलती है ना सी के अंदर, समुद्र के अंदर से, ये उसका बना हुआ है ये वाला ना, ये देखिए ये मैंने अंडमान से लिया था ये वाला सेट। और एक ये वाली भी मैंने वहीं से ली थी अंडमान से, ये भी ये नेचुरल जो वो होते हैं ना स्टोन्स होते हैं, ये उसकी है माला सी, ये इस टाइप की ना, ये उस टाइप का नेकलेस है, बिल्कुल ओरिजिनल है ये सभी इसमें। तो उसकी कटिंग से ये बनाया हुआ है पूरा, ये भी बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। लेकिन मैंने इसको भी, इसको और इसको मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पहना है। और इसमें ना सारी, और इसमें ब्रेसलेट भी आ गए हैं, ये मैंने इसमें ब्रेसलेट भी लगा दिए हैं अपने, ये देखिए ये मैंने इसमें ब्रेसलेट भी लगा दिए हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और इसकी जो ये प्लास्टिक है ना, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, ये भी अच्छी है इसका, ये ना फटने वाली नहीं है, ये अच्छे से है इसमें। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है ये। एक बार इसको पूरा पास से दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी आ गई है इसमें। तो ये आप भी मंगवा सकते हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़ तो मंगवानी ही चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है मुझे। तो ये था मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। और एक और मंगवाया है मैंने रिस्ट वॉच ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है ये मैंने एक, खाती हूँ आपको कि अंदर से कैसा है, मतलब फिनिशिंग जो है इसकी बहुत ही अच्छी है। और ये लेदर जैसा लग रहा है कि जैसे ये लेदर लगा हुआ है ऊपर, लेदर फिनिश में है ये, ये ऊपर स्टिच लगा हुआ है इसके अंदर, और बहुत ही प्यारा लगा है ये, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे इसका ये। और ये खुलने का इसका जो ये लॉक है, ये भी बहुत अच्छा है, ये ईजी है खुलने में भी काफ़ी। तो अंदर से दिखाती हूँ मैं ये अंदर से कैसा है ये। तो ये है अंदर इसके, ये जो है ये इसमें एक पॉकेट लगी हुई है इसमें,
तो इसमें जो वारंटी कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, जो रिस्ट वॉच के साथ में वारंटी कार्ड्स मिलते हैं, वो मैं सब इसमें रख दूँगी यहाँ पर। और ये है इसके, ये है इसमें 12 रिस्ट वॉच एक साथ आ जाएंगी। इसमें वैसे छोटा भी था 10 का, लेकिन वो थोड़ा छोटा लग रहा था मेरे को, क्योंकि रिस्ट वॉच मेरे पास काफ़ी सारी हैं। ये मैंने लगा दी है इसमें एक रिस्ट वॉच, अभी बाद में लगाऊंगी मैं सारी आराम से। एक दो लगा करके दिखा देती हूँ मैं इसमें कि ये कैसी लग रही हैं इसमें लगी हुई। एक और लगा देती हूँ मैं इसमें, ये देखिए, तो इसमें बहुत ही अच्छी लग रही हैं ये लगी हुई इसमें, मतलब काफ़ी एकदम लाइट कलर पे ना, डार्क कलर की अच्छी भी लग रही हैं लगी हुई ना इसके साथ में, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। इसमें आ भी सही रही है इसमें ना ये, और बंद भी हो गया है इजीली, और आराम से ना ये बंद भी हो गया है।